विंडो का प्लाजो फिटिंग करके हमने तैयार कर लिया है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो गया है हमारा। तो दोस्तों ये वाला विंडो तो जो है सिंपल वाला है, और ये वाला थोड़ा सा डिजाइन दे दिया। डिजाइन मतलब हमने बीच में दो पार्टीशन दे दिया है, बस वही एक डिजाइन दे दिया। तो यहाँ पर हमने जो विंडो पल्ला बनाया ज़्यादा डिजाइन का नहीं है, बस सिंपल में बनाया। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा है इसका डिजाइन? तो आप चलिए दोस्तों अभी इसको जो है हमारा विंडो पल्ला तो फिटिंग हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पर लकड़ी का कील जो है वो मारने का काम बाकी। इसमें हम फेविकोल लगा के जो है लकड़ी का कील भी वो मारेंगे। तो चलिए तो हम आप लोग को दिखाएंगे इस पर लकड़ी का कील जो मारता है वो किस तरह से बनाकर इसको लगाया जाता है, तो वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका लकड़ी का कील जो है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को बीके कारपेंटर चैनल पर। अच्छा दोस्तों मैं आ गए हूँ आज दूसरे साइड पे काम करने के लिए। तो दोस्तों इस जगह पे मैं क्या काम करने वाला हूँ, तो चलिए मैं आपको एक बार बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए हमने ये सारे जो यहाँ पर हमने रंडा मार के लकड़ियों को सारे और रंडा मार के मतलब होल भी करके रेडी करके हमने यहाँ पर रखा हुआ है। यानी कि हम ये जो सारे ये लकड़ियाँ हमने यहाँ पर रखा हुआ है, तो दोस्तों हम ये विंडो का पल्ला बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए हमने ये सारे लकड़ियाँ जो है होल करके भी और इसके साइड के आल कटिंग करके भी हमने रखा हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए ये है वेंटिलेटर के पल्ला बना रहे हैं, इसको भी हमने होल करके रखा। अभी होल करने का काम अभी बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस तरफ भी अभी और भी बाकी है होल करने के लिए। तो दोस्तों आज मैं जो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि एक विंडो पल्ला को किस तरह से फिटिंग किया जाता है, ये जो फ्रेम ये वाला चौड़ाई वाला फ्रेम है इस पर फिटिंग करके हम आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी बने रहिए वीडियो पे। तो चलिए फिटिंग करने का काम जो है वो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने विंडो पल्ला फिटिंग करने के लिए हमने फ्रेम को जो यहाँ पर लेकर रख लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार के विंडो का पल्ला बनने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम एक सैंपल वाला फिटिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिजाइन वाला जो है वो फिटिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पे। तो चलिए बिना देरी के फिटिंग करने का काम जो है वो शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए फिटिंग करने का काम जो है वो शुरू कर लेते हैं। तो आप लोग भी बने रहिए वीडियो पे, और दोस्तों बताइएगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों को इसी तरह से फर्नीचर से जुड़ी हुई वीडियो भी अगर देखना पसंद है तो वो भी कमेंट में बताइएगा, मैं उस फर्नीचर की वीडियो लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए सबसे पहले इसको फिटिंग कर लेते हैं। दोस्तों जैसे आपने देखा यहाँ पे हमने ये सैंपल वाला विंडो का पल्ला जो है फाइनली फिटिंग करके रेडी कर लिया। देख सकते हैं कुछ जब फिटिंग करके हमने रख लिया है। तो अब चलिए ये वाला जो डिजाइन वाला है उसको भी फिटिंग करके दिखाते हैं आप लोगों को। Thank you.
तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने दोनों विंडो का प्लाजो फिटिंग करके हमने तैयार कर लिया है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो गया है हमारा। तो दोस्तों ये वाला विंडो तो जो है सिंपल वाला है, और ये वाला थोड़ा सा डिजाइन दे दिया। डिजाइन मतलब हमने बीच में दो पार्टीशन दे दिया है, बस वही एक डिजाइन दे दिया। तो यहाँ पर हमने जो विंडो पाला बनाया ज़्यादा डिजाइन का नहीं है, बस सिंपल में बनाया। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा है इसका डिजाइन? तो आप चलिए दोस्तों, अभी इसको जो है हमारा विंडो पाला तो फिटिंग हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पर लकड़ी का कील जो है वो मारने का काम बाकी। इसमें हम फेविकोल लगा के जो है लकड़ी का कील भी वो मारेंगे। तो चलिए, तो हम आप लोग को दिखाएंगे इस पर लकड़ी का कील जो मारता है वो किस तरह से बनाकर इसका लगाया जाता है, तो वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका लकड़ी का कील जो होता है वो बना लेते हैं, बनाकर फिर इस पर मारते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने ये लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है, तो इसी से हम जो है लकड़ी का कील बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे निशान लगा के रखा हुआ है। तो चलिए इसको कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए हमने लिए ले लिया है कटर मशीन। तो कटर मशीन से इसको पहले टुकड़ा निकाल लेते। चलिए तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं हमने ये लकड़ी का टुकड़ा हमने छोटे छोटे पीस में कर लिए कुछ इस तरह से। तो आप इसको चलिए इसको और भी छोटा छोटा पीस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जो इसको इसे हम बटाली कहते हैं, तो इस बटाली की मदद से जो है हम इसको इस तरह से कटिंग करेंगे, छोटे छोटे पीस बनाएंगे इस तरह से। तो चलिए इस तरह से पीस बना लेते पहले। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये देखिए छोटे छोटे पीस में हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो इसको और भी छोटा करना पड़ेगा। तो अब पहले हम इसको और भी छोटा करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो इसको दोस्तों इस तरह से यहाँ पे रखे और इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। तो ये हम इसको जो हम स्क्वायर साइज में बना देंगे, चार कोना करके। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन गया है। तो चलिए सब सारे पीस को इस तरह से कटिंग करके कंप्लीट करते हैं, फिर इसको लकड़ी का कील जो है वो बनाते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो लकड़ी का कील जो हमने बनाने के लिए फाइनली पूरी तरह से देखिए छोटे छोटे पीस में कटिंग करके पूरी तरह से रेडी कर लिया है। तो अब चलिए इसको कील बनाने का काम जो है लकड़ी का कील जो है वो बनाने का काम शुरू करते हैं। तो आप लोग भी देखिए कि लकड़ी का कील बनाया जाता है किस तरीके से। तो चलिए बनाने का काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने देखिए हमने ये लकड़ी का कील जो फाइनली बनाकर कंप्लीट कर लिया। हमने चार पीस जो बना के आप लोगों को दिखा दिया दोस्तों कुछ इस तरह से। तो आप चलिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा पीस बाकी है, तो इसको करके कटिंग करके तैयार कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं फटाफट। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे देखिए लकड़ी का कील जो बना के फाइनली कंप्लीट कर लिया है, और भी दोस्तों बाकी बनाने के लिए वो देखिए बहुत सारा रखा हुआ है, लेकिन अभी हम नहीं बनाएंगे, अभी इतने हमने बना लिया। तो आप चलिए हम इस विंडो के पल्ला पे जो कील मारकर आप लोग को दिखाते हैं। चलिए
दोस्तों जैसे आपने देखा यहाँ पे हमने किस तरह से जो इस पल्ले को लकड़ी का कील जो था वो मारकर हमने आप लोगों को दिखा दिया है। तो ये हमारा ये तो फाइनली फिटिंग हो चुका है। तो अभी दोस्तों ये वाला पीस बाकी है, तो चलिए इसको भी इसी तरह से फेविकोल लगा के जो कील मार लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो विंडो का पल्ला है दो पीस हमने फाइनली इसका लकड़ी की कील भी मारकर जो फाइनली पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है इसका डिज़ाइन। तो अभी इस तरह का और भी बाकी है, तो दोस्तों ये हम किसी और दिन ही फिटिंग करेंगे क्योंकि अभी इसको ये दो पीस बनाते बनाते काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, तो इसलिए ये समय नहीं हुआ लगाने के लिए। इसी मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए हमने ये दो पीस फिटिंग करके आप लोगों को दिखा दिया है। तो कुछ इस तरह से बन गया है हमारा विंडो का पल्ला जो है। दोस्तों जैसे कि आपने मेरे पीछे देखा ये हमने विंडो का पल्ला जो रखा हुआ मैंने किस तरीक़े से जो इसका फिटिंग किया है। तो दोस्तों आप लोगों को इस विंडो पल्ला का डिज़ाइन जो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आप लोगों को मिलते रहे। और दोस्तों मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।